जिस तरह पिक्चर पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। एक बात आने की भूल के स्वागत कीजिए आखिर तक अगर आप सुनना चाहते हैं। इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, आदाबज, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपके यहाँ 8 कच्ची कॉलोनियों में गलियां बनने का और सीवर पाइपलाइन डालने का काम शुरू होने जा रहा है। ये 8 कच्ची कॉलोनियां हैं मदनपुर खादर एक्सटेंशन पार्ट 1, अबुल फजल एनक्लेव 2, नूर नगर एक्सटेंशन, शाहीन बाग, गफार मंजिल एक्सटेंशन, अबुल फजल एनक्लेव ब्लॉक EN, अली बिहार, तैमूर नगर एक्सटेंशन, अबुल फजल एनक्लेव मेन। इनमें सीवर और गलियां बनने का काम शुरू होने जा रहा है। 480 गलियां एक साथ बनेगी, 480। मैं पूछना चाहता हूं हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी 15 साल में उन्होंने इन कॉलोनियों में 4 गलियां भी बनाई हो तो बता देना, 4 गलियां भी बनाई हो। 480 गलियां एक साथ बनने जा रही हैं और इन 480 गलियों में सीवर की लाइन डलने जा रही है। 50 किलोमीटर की टोटल 50 किलोमीटर की गलियां बनने जा रही है और 50 किलोमीटर की सीवर की पाइपलाइन बनने जा रही है। दिसंबर इस साल का जो दिसंबर आने वाला है दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा। मैं इस काम पे नजर रखूंगा खुद। अगले साल फरवरी में दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली विधानसभा के। दिसंबर तक काम पूरा ना हो तो अगली बार वोट मत देना हम लोगों को। बाकी पार्टियों वाले हर चुनाव के पहले काम के लिए नारियल फोड़ने आते हैं, जीतने के बाद 5 साल भूल जाते हैं और फिर चुनाव के पहले उसी काम का दोबारा नारियल फोड़ने आते हैं। हम ऐसे नहीं करते, ये बीजेपी कांग्रेस वाले करते हैं। मैं आज यहाँ का काम शुरू करके जा रहा हूँ, दिसंबर तक आपका काम पूरा हो जाएगा, गलियों का भी और सीवर का भी। यहाँ पे कच्ची कॉलोनियों में लोगों को बड़ी परेशानी हुआ करती थी। बहुत सारे लोग मेरे पास आया करते थे कि जी कच्ची गलियों की वजह से सीवर ना होने की वजह से बहुत परेशानी है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, अब सबके यहाँ गलियां पक्की भी हो जाएंगी और सीवर भी पड़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल, अमानतुल्ला साहब ने ओखला विधानसभा में पिछले 4 साल में जितने काम हुए वो सारे एक एक करके काम गिनाए। इतने काम करे हैं भाई साहब, पूरी दिल्ली में 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर इतने काम नहीं करे जितने पिछले 4 साल के अंदर हुए हैं। आज आपके यहाँ 480 गलियां बन रही है ना, पूरी दिल्ली में इस टाइम एक साथ 10,000 गलियां बनने का काम चल रहा है। 10,000 गलियां पूरी दिल्ली में। मेरे को पूरा यकीन है 15 साल में शीला दीक्षित ने 1,000 गलियां भी नहीं बनाई होगी। हमने 4 साल के अंदर 10,000 गलियां बनने का काम एक साथ चल रहा है। कैसे हो रहा है इतना काम 70 साल में? भाई साहब, बीजेपी और कांग्रेस वालों ने अपने घर भरने के अलावा कोई काम नहीं करा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? इन्होंने अपने
इतने पैसे कमा लिए इन्होंने, इतने पैसे कमा लिए, इनकी सात पीढ़ियां घर बैठ के खाना खाएंगी। अब घर बैठ के चार साल पहले आप लोगों ने ईमानदार सरकार चुनी थी, आज ये उसी का नतीजा है। ये केजरीवाल निकला ना, ये आपके मेहनत का काम है। पिछले चार साल पहले आपने बीजेपी और कांग्रेस को लात मार के दिल्ली में ईमानदार सरकार बनाई थी, ये सारा काम उस वजह से। आज पूरी दिल्ली में इतने स्कूल बन रहे हैं, इतने स्कूल बन रहे हैं, इतने सरकारी स्कूल बन रहे हैं, इतने कमरे बन रहे हैं, इतने अस्पताल बन रहे हैं। जितने दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में हमने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो पैसे की चिंता मत करना। 10 लाख रुपए भी लगेंगे ना इलाज पे, दिल्ली सरकार के अस्पताल में मुफ्त में इलाज होगा। सारी जनता के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में इलाज मुफ्त कर दिया। आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है और सबसे सस्ती बिजली मिल रही है दोस्तों। घर घर के अंदर पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पानी की पाइपलाइन लगा रहे हैं और 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हमने मुफ्त कर दिया। लेकिन दोस्तों आपसे अब एक जरूरी बात करना चाहता हूं। 2 महीने बाद चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। आपने 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था, बड़ी उम्मीद से जिताया था। लोगों को उम्मीद थी कि अब भारत बदलेगा। भाई साहब 5 साल में मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दिया, सीलिंग कर दी, अच्छे खासे लोगों के चलते धंधे बंद करा दिए, दुकानें बंद करा दी, फैक्ट्रियां बंद करा दी। 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी। मैं सोच रहा था प्रधानमंत्री जी को यह नोटबंदी करने का आइडिया किसने दिया होगा। मोदी जी खुद तो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन कम पढ़ा लिखा कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कम पढ़ा लिखा हो तो उसको पढ़े लिखे से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। उनमें इतना घमंड है, इतना अहंकार है, किसी से पूछते ही नहीं है, एक ही आदमी से बात करते हैं, उसको अमित शाह से बात करते हैं, उसके अलावा किसी से बात नहीं करते। और उनको अच्छी खासी चलती अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक काम जो मोदी और अमित शाह ने किया है, इस देश का भाईचारा खत्म कर दिया। इस देश के अंदर सारे धर्म के लोग, सारी जातियों के लोग सदियों सदियों से गले मिल के रहा करते थे, प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। लोगों के मन में जहर घोल दिया मोदी और अमित शाह ने, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दिया, हिंदुओं के मन में जहर घोल दिया, मुसलमानों के मन में जहर घोल दिया। हरियाणा चले जाओ, हरियाणा में जाट को नॉन जाट से लड़ा दिया। महाराष्ट्र चले जाओ, वहां पे मराठा को नॉन मराठा से लड़ा दिया।
गुजरात चले जाओ, वहां हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, पटेल को नॉन पटेल से लड़ा दिया, इन्होंने पूरे देश के मन में जहर घोल दिया। 70 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था, 70 साल पहले एक हिंदुस्तान बना था, एक पाकिस्तान बना था। 70 साल से पाकिस्तान सपने देख रहा है किस तरह से हिंदुस्तान को कमजोर किया जाए। 70 साल से पाकिस्तान सपने देख रहा है हिंदुस्तानियों के मन में जहर घोलो, हिंदुस्तानियों को धर्म और जाति के उसमें बांटो, लोगों के मन में जहर भरो। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। 70 साल से पाकिस्तान के सपने पूरे नहीं होने दिए, लेकिन जो काम 70 साल में पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखाया। इस देश के लोगों के मन में जहर घोल दिया, इस देश के लोगों को बांट दिया धर्म और जाति के नाम पर।